अभिनव शाह, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे आज की जो म्यूजिकल नाइट है सुरेश यहाँ पर परफॉर्म करने वाले, कितने एक्साइटेड है? मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं सुरेश को जानती हूँ एक दो साल से एंड आई थिंक ही इज़ अ लवली पर्सन एंड अ लवली सिंगर और आई ऑलवेज एंजॉय हिज म्यूजिक, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इन एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, यहाँ पर प्रियांक और विकास भी हैं तो उनको मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं इनको मिलने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं रोज़ उनको मिलती रहती हूँ, तो इतनी कुछ एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। सॉरी गाइस, सॉरी बॉयज। ऐसा कोई गाना है जो आपको पसंद करते हो और किस तरह का म्यूजिक सुना? सुयश, अगर सुयश की बात करें तो वो हाई पिच जब जाता है गानों में तो बहुत ही अच्छा गाता है और उसकी आवाज़ ही मतलब थोड़ी हॉर्स और थोड़ी यू नो ग्रंजी है, तो आई लव दैट अबाउट हिम। ऐसा कोई गाना है जो आप सुयश को डेडिकेट करना चाहते हो? डेडिकेट नहीं, बट आई वुड लव टू हियर हिम सिंग तू ही है फ्रॉम डियर जिंदगी। हाँ, मैं बहुत खुश थी जब वो जीती, मैं उनके पास गई और मैं जब निकली थी घर से तब हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे मेरे और शिल्पा के, हालांकि थ्रू आउट द सीज़न अच्छे रहे हैं लेकिन लास्ट टू वीक्स में प्रॉब्लम्स हो गए। So I went to her, I hugged her and I was like sorry Shilpa ji, and knowing Shilpa, she was very forgiving and she's extremely sweet. So she had tears in her eyes and she's like I'm happy ki tumne realize kiya, I love you and I've always loved you like a beti. So yeah, I was very happy. Meena meri bahut achhi dost nahi hai. वो रह चुकी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त शो में लेकिन थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैं बाहर आके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और काफ़ी वो किसी को छोड़ा नहीं उसने बिचिंग में, तो आई डोंट थिंक आई कंसिडर हर अ वेरी गुड फ्रेंड, बट वो जैसे भी खेली है फिनाले तक गई है, अच्छी लगी है थ्रू आउट द सीज़न, तो आई विश हर ऑल द लव एंड लक, द शो इज़ ओवर एंड नो ग्रजेस एनी मोर होपफुली। हाँ एक्चुअली मुझे आज ही अर्शी का फ़ोन आया था और उसने बोला कि बैन, तो मैंने बोला हाँ अर्शी बेगम बताइए, तो उसने बोला कि हमारी मैं पार्टी थ्रो कर रही हूँ मेरे बर्थडे के लिए तो तुम इनवाइटेड हो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अर्शी का बर्थडे आने वाला है और हम सब वापस मिलने वाले हैं और वापस पार्टी करने वाले हैं। थैंक यू। Thank you.